महावीर भगवान एक शहर से दूसरे शहर विहार करते थे। एक दिन उन्हें किसी गांव जाना था, जहां पर जाने के दो रास्ते थे। एक लंबा रास्ता था जो आरामदायक और आसान था, और उससे छोटा रास्ता था जो एक बहुत ही खतरनाक जंगल से गुजरता था। महावीर भगवान ने छोटे रास्ते से जाने का निर्णय लिया, लेकिन कुछ ग्वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि उस रास्ते पर एक भयानक सांप रहता था। उसका नाम था जन कौशिक। महावीर भगवान छोटे रास्ते से जाने के लिए अटल रहे थे। महावीर को ना कभी भय हुआ और ना ही अपने बारे में चिंता। वो थोड़ी देर बाद एक ऐसे रास्ते पर पहुँचे जहाँ पर पहुँचने का कोई सोच भी नहीं सकता था। तभी महावीर भगवान वहाँ रुके और ध्यान करना शुरू किया। तभी जन कौशिक नामक सांप वहाँ आया और एक आदमी को खड़ा हुआ देखा। वो अपने अंदर का अतिक्रमण सह नहीं सका और महावीर पर एक जहरीली फुफकार मारी। तभी भी महावीर भगवान शांत खड़े रहे। ये देखकर जन कौशिक अपना गुस्सा सह नहीं पाया और जहर उगलते हुए महावीर भगवान के पांव के पास आ गया और उन्होंने महावीर भगवान को डस लिया। महावीर भगवान को कोई चोट नहीं लगी थी, बल्कि उनके पैरों से तो धूल बह रहा था। उन्होंने महावीर भगवान ने अपनी आंखें धीरे से खोली और जन कौशिक को कहा, शांत जन कौशिक शांत। ये देखकर जन कौशिक को समझ आ गया कि वो कौन थे और क्या कर रहे थे।